हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। केआरके ने फिर लगाया बॉलीवुड वालों पर जेल भेजने का इल्जाम। विक्रम वेदा को लेकर कही ये बात, तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। कमाल आर खान यानी केआरके अपने अक्सर बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। बीते दिनों अपने विवादित ट्वीट के चलते जेल में रहने के बाद वो फिर से अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं। हाल ही में केआरके ने ट्वीट करके कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे करण जौहर नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने गिरफ्तारी और विक्रम वेदा को लेकर बात की है। ऐसे में लोग भी हैरान हो गए हैं और उनके पुराने ट्वीट को सवाल कर रहे हैं। दरअसल केआरके ने सैटरडे को ट्वीट कर लिखा था कि विक्रम वेदा का मैं रिव्यू जरूर करूंगा अगर फिल्म के रिलीज से पहले बॉलीवुड वाले मुझे दोबारा जेल में ना डाल दें। और बता दें कि आपको विक्रम वेदा 30 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान लीड रोल्स में है। केआरके के इस ट्वीट को करण जौहर से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में एक यूजर केआरके के करण जौहर के गिरफ्तारी के पीछे की वजह न होने वाले ट्वीट को पोस्ट करके पूछा था, तो ये क्या है। और एक अन्य यूजर ने लिखा कि आपने खुद ही कहा था कि करण जौहर और उनकी फिल्मों को आपकी गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। और वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि भाई कहना क्या चाहते हो, कभी कहते हो बॉलीवुड वालों ने नहीं भेजा जेल और अभी बोल रहे हो कि उन्होंने ही भेजा। बता दें कि बीते दिनों केआरके ने ट्वीट कर कहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे करण जौहर का हाथ है, लेकिन ये सच नहीं है। करण जौहर, शाहरुख खान, अजय देवगन, आमिर खान और अक्षय कुमार, इन सभी का मेरी गिरफ्तारी से लेना देना नहीं है। वहीं केआरके को 2020 के दिवंगत अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा उन पर छेड़छाड़ का भी आरोप था। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।